दोस्तों, जैसा कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, हम सबको गर्मी लग रहा है। इस साल तो गर्मी बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर भी हाई है। ऐसे में हम लोगों को बर्ड्स को जो है ठंडा रखना है, यानी इनका बॉडी भी टेम्परेचर जो हाई होना नहीं देना है। उसके लिए हमको क्या करना है, कुछ इस तरह का जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रूट्स। जब गर्मी आता है तो आम, पपीता, खीरा, गाजर ये सब मिलना भी स्टार्ट हो जाता है। और उस टाइम आपको तरबूज भी मिलता है, जो वाटरमेलन जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पानी का मात्रा होता है। इस तरह का हम लोग को फल देना है। ये जो हम लोग को देना है, ये दोपहर का समय में देना है, लगभग 12 बजे के बाद, जब थोड़ा गर्मी आ जाता है। तो देखिए सभी बर्ड्स किस तरह से बाहर निकल रहे हैं पिंजरे से। तो 12 से 2 के बीच में छाया जगह में आप बर्ड्स को रख दें और इस फूड को आप रख दें उनके केज में। तो फर्स्ट टाइम मैं अभी दे रहा हूँ, जैसे बच्चे जो हैं ये सारे मैंने हैंड फीड से बड़े किए हैं, तो अभी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में ही ये तुरंत खाना स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा इनको समझने में कि ये क्या चीज़ मैं दे रहा हूँ, क्या है। थोड़ा उनको मुँह से लगाएंगे, फिर उनको पता चलेगा टेस्ट, फिर वो खाना स्टार्ट करेंगे। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैं बाहर निकालता हूँ इन सबको, तो सारे मेरे पास आ जाते हैं। यही होता है जब हम बच्चा से बड़ा करते हैं हैंड फीड देके, तो सभी क्या है कि फ्रेंडली हो जाते हैं। जब सबको पकड़ते भी है तो काटते नहीं है, ना ही चिल्लाते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैं अभी अंदर कर रहा हूँ केज के अंदर, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने फ्रूट वगैरह जो है अंदर दिया हुआ है, जो कि वाटरमेलन है, तरबूज जिसको बोलते हैं। तो गर्मी के दिन में ये काफ़ी अच्छा होता है। तो हम लोग गर्मी के दिन में ही ये देना है, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, गाजर हो गया, इस तरह का चीज़ हम लोग देते हैं। तो बर्ड्स का बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। देने का जो समय है वो आपको 12 बजे के बाद आप कभी भी दे सकते हैं, 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना है, बर्ड्स को जो है कि नहलाना नहीं है गर्मी के समय में। बर्ड्स को अगर नहलाना भी है तो सुबह 8 बजे से पहले नहला देना है। धूप निकलने के बाद कोई भी स्प्रे या शावर से नहीं नहलाना है इसको। अगर आप नहलाते हैं तो इनको अचानक शॉक लगेगा, यानी कि झटका लगेगा, और उसके साथ इनका डेथ भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। और इसको हम लोग अगर पानी से भिंगाते हैं तो बॉडी जो इनका ठंडा हो जाएगा, और फिर अचानक जो है बढ़ेगा तो फिर एक शॉक लगेगा। वेलकम टू माई चैनल पेट टेक एंड ट्रैवल। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो वो उस तरह से देखिए, ये जो है अभी फल हमने जो दे दिया वाटरमेलन, इसको किस तरह से खा रहे हैं आप देख सकते हैं। जब स्टार्टिंग मैंने दिया तो ये बिल्कुल खा नहीं रहे थे, क्योंकि इनको आदत ही नहीं था इस चीज़ को खाने का। इनको आदत था चावल खाने का, चना खाने का, सत्तू पीने का। ये फर्स्ट टाइम मैंने दिया है इस तरह के बाद। इसके बाद जो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। जब बर्ड आपको थोड़ा सा बड़ा हो गया, खाना नहीं खा रहा है, तो भी आप इस चीज़ को अगर देते हैं तरबूज को, तो वो 100% खाएगा। ये देखिए धीरे धीरे सभी मुँह लगाना स्टार्ट कर चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट ये लग रहा है। ये देखिए सारा धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया है। तो अभी मैंने दिया है जो एक टुकड़ा, कल भी ठीक इसी टाइम पे एक टुकड़ा दूंगा। इस तरह से 3-4 दिन एक तरबूज आप यूज कर सकते हैं। यानी 20 रुपीज़ का मैंने लगभग लाया था, जो कि 1.5 किलो के आसपास था, 15 रुपये किलो ये मिल जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग रेट हो सकता है। ये देखिए उसके बाद जो है मैं वो मैंने दोपहर को दिया था, इसके बाद शाम को मैं थोड़ा सा चना इनको दे रहा हूँ। तो मेरे पास रिंगनेक और पहाड़ी दोनों हैं, आप देख सकते हैं। जो पहाड़ी है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, रिंगनेक जो है थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन टॉकिंग में कोई अंतर नहीं है। टॉकिंग दोनों ही सेम करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टॉकिंग आपको रिंगनेक का भी बाद में मैं दिखाऊंगा। रिंगनेक तो मेरे पास रहेगा, और जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा उस पर रिंगनेक का जो टॉकिंग है वो मैं टॉकिंग सिखाने के बाद इनको दूंगा। अभी आप सोच रहे हैं कि ये सफ़ेद कलर की क्या चीज़ है, तो ये है चावल। चावल दोपहर को बना था तो उसको मैंने पानी डाल के रख दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो पानी डाल के रखने से क्या होता है, पानी उसमें अब्जॉर्ब हो जाता है और चावल जो है थोड़ा नरम भी हो जाता है। तो जब बर्ड्स को हम लोग देते हैं तो आराम से खाते हैं, आराम से डाइजेस्ट भी होता है, और उनको शरीर में जो है पानी का जो कमी है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि छोटे बर्ड जो है पानी पीते बहुत कम है। तो हम लोग खाने में ही ऐसा चीज़ देना है जो कि उनको पानी का जो कमी है उसको पूरा करे। और गर्मी का टाइम है तो पानी सबको ज़रूरत है, तो इनको भी ज़रूरत है। देखिए छोटे बर्ड जो ये 2 मंथ के हैं, और जो एलेक्जेंडर देख रहे हैं वो लगभग 2.5 मंथ के हो चुके हैं, और अब नियर टू सेल्फ, यानी 6-7 दिन में ये सेल्फ हो जाएंगे। जैसा कि अभी मई का महीना चल रहा है, अप्रैल के बाद का महीना, तो एकदम भयंकर वाला गर्मी है। इस टाइम हम लोग को ज़्यादातर बर्ड का केयर करना है, और इस तरह से छोटे छोटे चीज़ सब बर्ड का केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, बर्ड को नहलाना नहीं है,
नहलाना है तो सुबह 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद नहलाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत कभी ना कभी आ सकता है। ये देखिए छोटे बर्ड्स हैं, इनको मैं भी फूड दे रहा हूँ। खेत से कुछ निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं, कभी कभार ये भी बाहर निकलते हैं। और देखिए बाहर रखने के बाद जो रिंगने का पैरोट है वो चढ़ गया है कटोरी के ऊपर और खाना स्टार्ट कर दिया खुद से ही, क्योंकि वो सेल्फ हो चुका है। अच्छा, इसी का जब सेल्फ हो चुका है ये तो अभी बाइट वगैरह नहीं कर रहा है। इसी को अगर मार्केट से अगर आप लेंगे और वाइल्ड रहेगा तो 100% आपको बाइट करेंगे यानी काटेगा। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान हम लोग को रखना है कि बर्ड को जो है थोड़ा सा खुला रखना है, यानी कि बंद नहीं करना है। जब छोटा बच्चा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्टून के अंदर रखते हैं या फिर प्लास्टिक वाला जो डब्बा मिलता है उसमें रखते हैं। तो बर्ड जब हम लोग को अचानक देखता है तो डरता है, पीछे भागता है। तो अगर हम लोग उसको थोड़ा सा बड़ा होने के बाद केज में रख देते हैं तो केज में क्या कि खुला रहता है और आराम से पैरों पर खड़ा होता है और बाहर का नज़ारा भी देखता हुआ रहता है, तो उससे क्या लगता है कि उसको भय जो है, डर जो है ख़त्म रहता है। और जब बॉक्स में रख देंगे काफ़ी ज़्यादा दिन तक तो वो डरेगा और पीछे भागेगा। तो उसका डर को ख़त्म करने के लिए आपको बाहर निकालना है अगर आप रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो आप केज में सीधा रखें। केज से क्या है कि उनको बाहर भी देखने को मिलता है, बाहर का नज़ारा आप भी दिखते हैं डेली। और बॉक्स में क्या है कि आप डेली दिखते हैं खाना खिलाते टाइम, बाकी टाइम आप दिखाई नहीं देंगे। जब भी आप अचानक जाएंगे ऊपर से बॉक्स के पास तो अचानक देख के डरेंगे। ये सब देखिए बर्ड कितना फ्रेंडली हो गया है, बिल्कुल डर नहीं रहा है। और केज जो मैंने रखा हुआ है इसका भी प्राइस मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ, स्टील का है, 1.5x2 का केज है, यानी कि इधर से जो है 20 इंची इसका चौड़ाई है, डेप्थ भी 20 इंची है और हाइट जो है वो 24 इंची का है। ये प्योर स्टील में है, 2500 का मेरे पास अवेलेबल है। अब देखिए जैसे मैंने चना उस टाइम खिला दिया, उसके बाद अब मैं क्या दे रहा हूँ, ये है सत्तू। ये अलग टाइम का यानी कि शाम का था, तो ये सुबह का है, सुबह का वीडियो है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि 7 बज रहा होगा। तो सत्तू इस तरह से घोल लेता हूँ मैं, उसके बाद जो है बर्ड्स को धीरे धीरे इनको सिरिंज के माध्यम से या चम्मच के माध्यम से पिला देते हैं तो आराम से बर्ड हमारा जो है वो पी लेता है। अच्छा, सत्तू में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इनका बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है, इनको कोई भी रोग वगैरह नहीं होगा, सत्तू भी आप पिलाते हैं तो चलेगा। ये कुछ क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ रिंगनेक का। इससे पहले मैंने आपको पहाड़ी बहुत सारा दिखलाया है बहुत सारे वीडियो में, तो ये रिंगनेक का सब हैंड फीड किया हुआ बच्चा है, कोई भी डायरेक्ट नहीं है। यानी कि डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट नेस्ट से निकालना और सील करना, उसमें क्या होता है कि बर्ड जो है आपका डरता है। और इसमें क्या है कि बर्ड आपको जब हैंड फीड पे ले लेते हैं तो उससे क्या होता है कि बर्ड जो है उसको थोड़ा आदत हो जाता है। तो इस तरह का बर्ड अगर आपको मिल जाए तो बेटर है। ये देखिए आप देख सकते हैं इतना बड़ा बर्ड आप देख रहे हैं जो कि सेल्फ हो चुका है, ये काट उट नहीं रहा है। यही आप अगर मार्केट में जाएंगे लेने तो ये बिल्कुल आपको काटना स्टार्ट कर देगा, उसको आप टच ही नहीं कर सकते। तो यही अंतर होता है ब्रीडर और सेलर का, ठीक। बाकी आपको जहाँ से मन वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्राइस है वो लगभग 900,000 रुपये सिंगल पीस का पड़ता है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट हो सकता है, लेकिन हमारा जो लोकल एरिया है जमशेदपुर झारखंड, यहाँ पर जो रेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, डिलीवरी का कोई सिस्टम है, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है, जो भी लोग जिनको भी लेना है उनको मेरे लोकेशन पर आना होगा। लोकेशन है जमशेदपुर झारखंड, पिन कोड भी मैं आपको साथ ही साथ बता दूँ जो भी दूर से लोग देख रहे हैं, तो 831013 आप सर्च कर सकते हैं। ये आपको मैं क्वालिटी दिखा रहा था रिंगनेक का, तो क्वालिटी ये देख सकते हैं, पंख देखिए, बॉडी का हेल्थ देखिए, ये होता है रिंगनेक और टॉकिंग काफ़ी अच्छा करता है और बहुत ही अच्छा बर्ड है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको ये हर जगह मिलता है। बहुत सारे लोग पहाड़ी के चक्कर में लगे रहते हैं, पहाड़ी जल्दी मिलता नहीं है और कम मिलता है, रेट भी उसको बहुत ज़्यादा होता है 3000-4000, और इसका जो रेट है वो सिंगल पीस का 1000, यानी कि इसका रेट जब 1000 रहेगा तो पहाड़ी का रेट 3000 रहेगा मिनिमम। इस तरह का दोनों में अंतर है। टॉकिंग ये भी अच्छा करता है, पहाड़ी थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस उसके लिए उसका थोड़ा डिमांड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको एक फिर से धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से।